हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ड्रामाटिक फोटो एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे लेमन कलर ग्रेड एक्चुअली होने वाली है फोटो के ऊपर, तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा फोटोशॉप के अंदर ले जाके। बट एक चीज़ आपको बता दूँ, इसका जो बैकग्राउंड वगैरह होने वाली है ना, वो आपको ग्रीन लेकर रखना होगा, तभी आपको रिजल्ट जो है सबसे बढ़िया मिल पाएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपको एक प्रीसेट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो एडिटिंग का प्रीसेट होने वाली है। बट स्टेप्स अगर आप देख लेते हो तो वहाँ पे आप जो एडिटिंग है ना, वो सबसे बढ़िया कर पाओगे। चलिए सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको सारे कुछ नीडेड जो स्टेप्स है वो आपको दिखा देता हूँ। सो देख सकते हो मैं और मेरा फोटोशॉप के अंदर आ चुका हूँ, और ये देखो मेरा ओपन कर चुका हूँ एक फोटो, साथ में इसका कुछ अदर जो पोजेस वाला जो फोटो है ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रीसेट बनाऊंगा, प्रीसेट को अप्लाई करके देखूंगा एंड वहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि प्रीसेट काम कर रहा है कि नहीं। तो बैकग्राउंड देख लो, कुछ ऐसे ग्रीन टाइप का बैकग्राउंड है, तो इसके ऊपर ही पूरा काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बैकग्राउंड का कंट्रोल जे दबाते हैं, डुप्लीकेट ले लिया। मैं फोटोशॉप का सीसी वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप सीसी 2015 से जितना सारा लेटेस्ट वर्जन आया है कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लेटेस्ट वाला सीसी वर्जन सपोर्टेड नहीं हो सकता, मतलब कि लो एंड कंप्यूटर है, तो सीसी 2015 ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे जो है रिजल्ट सबसे बढ़िया आपको मिल जाएगा। देखो 7.0 के उधर बहुत सारा स्टेप्स आपको दिखाता हूँ, बहुत सारा एडिटिंग ऑलरेडी लेके आ चुका था। बट वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली बहुत सारा एडिटिंग होती है जो वहाँ पे नहीं हो पाती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से कैमरा फिल्टर ओपन करने वाला हूँ, तो उसके लिए फिल्टर पे जाके कैमरा फिल्टर ले लिया। अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले क्या आपको करना होगा। तो आप मेरा देखो, यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर का विजेट जो है वो मेरा यहाँ से ओपन हो चुका है। मैं बेसिकली सबसे पहले कैलिब्रेशन के ऊपर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे पहले आपका काम होगा। तो कैलिब्रेशन के ऊपर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो कुछ कलर्स आपको मिल रहा होगा। पहला शेडोज, सेकेंड है रेड प्राइमरी, ग्रीन प्राइमरी एंड ब्लू प्राइमरी, इन सारे चीज़ों जो है वो आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले जो रेड प्राइमरी मिलेगा, आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो आपको करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले सैचुरेशन जो होगा वो -100 करने वाला हूँ, एंड बाद का जो जितना सारा सेटिंग्स है ग्रीन प्राइमरी को हुई का -100 एंड सैचुरेशन को +100, सेम टू सेम ब्लू को भी हुई -100 एंड सैचुरेशन +100। एंड ऐसे डालने के बाद आप खुद देख लो, थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर ग्रेड यहाँ से मेरे पास आ चुका है। बट यहाँ पे भी और सारा कुछ काम है, जैसे कि मैं यहाँ पे अदर कुछ नहीं करूँगा। आप चाहो तो यहाँ से टिंट अपने मुताबिक अगर चेंज करना हो सकता है तो करो, अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। बस जस्ट आपको प्रोसेस पे वर्सन 5 चूज करके ही यहाँ से करना होगा। आप अगर अदर्स वर्सन चूज करते हो तो दिक्कत नहीं, अमाउंट्स आप पहले सेम टू सेम डाल लो। देखो इसके बाद आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कलर मिक्सर के अंदर। कलर मिक्सर का जो स्टेप्स है वो सेकंड स्टेप्स होती है। तो सिंपली सबसे पहले येलो का कलर के जाओ, कलर के अंदर सैचुरेशन को फुल्ली +100 कर दो, एंड आप यहाँ से जाओ ग्रीन के ऊपर, एंड यही ग्रीन के ऊपर आपको हुई को पूरा -100 करना है एंड सैचुरेशन को पूरा +100 करना है। चाहो तो लुमिनेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, मेरे जैसा मैं यहाँ से लुमिनेंस को पूरा 100 ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस फोटो के ऊपर लुमिनेंस का इफेक्ट लिटिल बिट मेरे को बढ़िया लग रही है। एंड इतना होने के बाद आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा कलर ग्रेडिंग के ऊपर। देखो कलर ग्रेडिंग के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने के बाद ही आपको काम करना होगा। जैसे मैं शैडोज के ऊपर एक एक करके जाता हूँ, शैडोज के ऊपर आपको कौन सा कलर अप्लाई करना है, नियर अबाउट कुछ ऐसा कलर अप्लाई करना है, थोड़ा सा क्या टाइप का कलर्स के साइड पे लिटिल बिट मेरा इस तरह से थोड़ा सा आ जाए, देन शैडो जो होती है वो बढ़िया आपको यहाँ से थोड़ी सी इफेक्ट यहाँ पे डालने लगेगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको मिड टोन के ऊपर अगर जाऊँ तो मिड टोन पे आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी ऑरेंज कलर के साइड पे लिटिल बिट आपको इस तरह से अमाउंट डालना है। अभी जाना है हाइलाइट्स के ऊपर, एंड यहाँ पे जो डालना है यहाँ से आपको लेमन कलर के साइड पे कुछ ऐसे लेमन कलर का वाला जो साइड है वहाँ पे आपको डालना है कुछ इतना अमाउंट तक। एंड अभी देख लो पहले से थोड़ी सी कलर टोन जो है वो यहाँ से चेंज हो चुकी है। अभी इतना सारा चीज़ें होने के बाद आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा कहाँ पे, आपको जाना पड़ेगा कर्व के अंदर। देखो कर्व के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ से व्हाइट कलर को चूज़ करना होगा, एंड बेसिकली व्हाइट कलर को चूज़ करने के बाद मिडिल वाला आइकन के अंदर एक बार मिडिल वाला पोर्शन पे आप एक बार एक क्लिक दीजिएगा तो एक डॉट बन जाएगा। इसी डॉट को ड्रैग करके लिटिल बिट आप इस तरह से इंक्रीज़ कीजिएगा तो यहाँ से फोटो के ऊपर जो लाइटनेस है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। एंड आपका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ी सी मैं इस फोटो के ऊपर डाउन करने वाला हूँ, ताकि यहाँ से स्किन जो है वो बढ़िया लग जाए। एंड यहाँ से चाहो तो लिटिल बिट ब्लैक को डाउन कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जाऊँगा मैं रेड के ऊपर, एंड इस वाला रेड सेक्शन के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान पे रखते हुए काम करना है। सबसे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूं, रेड के ऊपर अगर ऊपर लाता हूं तो रेड इंक्रीज हो रही है, नीचे लाता हूं तो यहां से मेरे को जो है क्यान कलर इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से आपको यहां से थोड़ी सी डाउन करना है, क्योंकि रेड मेरे को चाहिए नहीं।
एंड थोड़ी सी डाउन करने के बाद हो सकता है आपको ऊपर वाला पार्ट लिटिल बिट ऊपर तक लाना पड़े, कुछ नियर अबाउट ऐसा परसेंट तक नियर अबाउट हो सकता है आपको ये ठीक करना पड़े। अभी अगर मैं ग्रीन के ऊपर जाता हूँ, देखो मेरा बैकग्राउंड जो है वो लेमन कलर ग्रेडिंग के ऊपर और ड्रामेटिक थोड़ी सी जो टोन है वो मैं देने वाला हूँ। इस वजह से क्या करने वाला हूँ, मिडिल वाला आइकन के ऊपर एक बार क्लिक लगाता हूँ एंड ऊपर वाला हिस्सा को थोड़ी सी ऊपर तक डाउन ऊपर तक ले आऊँगा ताकि थोड़ी सी जो इफेक्ट है मेरे इस फोटो में आ जाए। अभी जाऊँगा ब्लू के ऊपर एंड ब्लू पे भी सब में आपको मिडिल पे एक पॉइंटर लगवाना है ताकि यहाँ से कोई खराबी ना आ जाए। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से थोड़ी सी ब्लू इस इफेक्ट जो होगा वो थोड़ी सी इंक्रीज करने वाला हूँ एंड ऊपर वाला हिस्सा थोड़ी सी डाउन, कुछ ऐसा अमाउंट मैं यहाँ से डालने वाला था, ठीक है, अभी नियर अबाउट ऐसा। एंड ये वाला जो पोर्शन है आप चाहो तो अपने मुताबिक पहले मैनेजेस करके आप देखो कौन सा अमाउंट आपको सबसे बढ़िया लग रही है एंड मेरे को जैसा कुछ ऐसा ही अमाउंट बढ़िया लग रही है, ठीक है। अभी मेरे यहाँ से कलर ग्रेडिंग वाला स्टेप्स देखो, यहाँ से लेमन कलर ग्रेडिंग वाला स्टेप्स यहाँ से कंप्लीट है। अभी मैं जाने वाला हूँ बेसिक के ऊपर। देखो बेसिक पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान पे रखते हुए काम करना है, जैसे टेम्परेचर को -5 डालोगे थोड़ी सी ब्लूइश इफेक्ट आ जाएगा एंड यहाँ से टिंट को आपको -5 करोगे तो थोड़ी सी लेमन जो येलो इफेक्ट होती है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको और कुछ चीज़ें भी करना पड़ सकता है, जैसे मेरी इस फोटो के ऊपर थोड़ी सी लाइटनेस की कमी है, इस वजह से मैं यहाँ से 0.10 के आसपास मैं डालने वाला हूँ यहाँ से एक्सपोजियर, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइटनेस इंक्रीज हो जाए। अभी कॉन्ट्रास्ट की बात करूँ तो नियर अबाउट कॉन्ट्रास्ट थोड़ी सी आपको डालना पड़ेगा, तो वो होती है आपका फोटो के मुताबिक, जैसे मेरे इस केस में 10 के आसपास डाल रहा हूँ। यहाँ से हाइलाइट्स मिलेगा, इस हाइलाइट्स वाला सेक्शन को आप चाहो तो अगर हाइलाइट फोटो के अंदर कम है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज मेरे इस फोटो में शैडो कम है तो इस वजह से शैडो 50 के आसपास डाला। आप चाहो तो हाइलाइट्स अपने मुताबिक मैनेजेस कर सकते हो, जैसे मैं +5 के आसपास इस फोटो के मुताबिक दे दिया। अभी चलिए मैं यहाँ से व्हाइट को क्या करने वाला हूँ, व्हाइट को -20 के आसपास करने वाला हूँ ताकि जो ज़्यादा व्हाइट पोर्शन था वो थोड़ी सी डाउन हो जाए। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ से जो ब्लैक है इसको -10 करने वाला हूँ, थोड़ी सी ब्लैक पोर्शन भी बढ़िया लगना चाहिए। एंड अभी बात करते हैं क्लियरिटी की, तो ये मेरे 15 के आसपास इंक्रीज करने वाला हूँ नियर अबाउट क्लियरिटी को, थोड़ी सी क्लियर लग जाए फोटो। एंड इसके बाद मैं डेहज की बात करूँ तो डेहज को भी 15 करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा अमाउंट होने के बाद मैं थोड़ी सी मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा वाइब्रेंस डालो, जैसे मेरे इस फोटो के केस में 40 के आसपास वाइब्रेंस मेरे को बढ़िया लग रही है तो ऐसे करके मैंने वाइब्रेंस डाल दिया। अभी देखो मैं बेसिकली क्या क्या चीज़ें मैंने अप्लाई की, पहले कैलिब्रेशन, देन कलर मिक्सअप, देन कलर ग्रेडिंग, कर्व एंड देन बेसिक पे गया था। अभी डिटेल पे जाके मैं कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ जिसकी मदद से इसका जो कलर मतलब इसका जो डिटेल वगैरह है ना वो बढ़िया आपको रिजल्ट जो है वो दे देगा। अब देख लो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको दे देगा, एक थोड़ा सा लिटिल बिट जो ऑयल पेंटिंग इफेक्ट भी है यहाँ पे आ जाती है। अब बेसिकली क्या मैंने छोड़ा, जस्ट इफेक्ट को मैंने यहाँ पे डालना भूल गया था, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 15 के आसपास यहाँ पे इफेक्ट जो है वो डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे भेगनेट मोड -15 डालने के बाद आप चाहो तो फेदर को फुल्ली 100 कर सकते हो। एंड देखना भेगनेट मोड हो सकता है आपको 20-25 भी डालना पड़े, वो आपने फोटो के मुताबिक डिपेंड करता है। चलिए मैं यहाँ से 25 डाला। अभी ओवरऑल फोटो का एडिटिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है, आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। पहला मेरा कुछ ऐसे था, एडिट करने के बाद पूरा जो कलर ग्रेडिंग करने के बाद कुछ ऐसे रिजल्ट मेरे को मिल रही है तो आपको डिटेक्ट करना है। ओके, तो ये मेरा अप्लाई हो गया है। इसका प्रीसेट ऑलरेडी मैं सेव करके रखा हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वाला प्रीसेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। अभी चलिए कुछ सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल जे दबा के डुप्लीकेट लेयर मैंने बनाया, आप चाहो तो राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन चूज कर सकते हो। अभी मैं फिल्टर पर जाऊँगा एंड यहाँ से ओपन करूँगा कैमरा और फिल्टर एंड आपको क्या करना होगा, यहाँ से 3 डॉट मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करो एंड ऐसे लोड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करो एंड अपना जो लेमन कलर ग्रेडिंग जो इफेक्ट है उसको डाल के ओके कर दो। कुछ ऐसे लोड करने के बाद यहाँ पे भी रिजल्ट बढ़िया मिल रही है। एंड अभी मैं इसको की अगर डुप्लीकेट बनाता हूँ, चलिए मैं यहाँ से भी डुप्लीकेट बनाया और फिल्टर पर जाके कैमरा और फिल्टर दोबारा से ओपन करता हूँ, कुछ ऐसे आपको जो विजर्ड है वो दिख जाएगा। आपको दोबारा से 3 डॉट पे क्लिक करके लोड सेटिंग्स एंड अपना जो प्रीसेट है उसको डालना है एंड देखो कितना बढ़िया रिजल्ट मेरे को मिल रही है। पहले से प्रीव्यू देख लो, पहले फोटो से कितना बढ़िया रिजल्ट मेरे को मिल रही है। तो बहुत ही प्रोफेशनल जो कलर ग्रेडिंग है ये वाला प्रीसेट की मदद से आप आसानी से कर पाओगे। तो आशा करता हूँ ये वाला जो एडिटिंग है ये आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वाला ट्यूटोरियल जो होगा वो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल होती तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नए को एडिटिंग के साथ, नए को ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।